नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, बोली जब तक हमें वापिस नहीं मिलेगा अपना झंडा नहीं फहराएंगे तिरंगा। जी हां दोस्तों, करीब 14 महीने की हिरासत के बाद छुट्टी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने हाथ में जम्मू कश्मीर का झंडा दिखाते हुए कहा कि मेरा झंडा यह है, जब ये झंडा वापस आएगा तब हम तिरंगा भी फहराएंगे। जब तक हमें अपना झंडा वापस नहीं मिलता तब तक हम कोई झंडा नहीं फहराएंगे। हमारा झंडा ही तिरंगा के साथ हमारे संबंध को स्थापित करता है। प्रेस से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हम आर्थिक तौर पर बांग्लादेश से भी पिछड़ चुके हैं, चाहे वह रोजगार का मुद्दा हो या कुछ और, हर फ्रंट पर यह सरकार नाकामयाब रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास कोई ऐसा काम नहीं है जिसे दिखाकर वो वोट मांग सके। ये लोग कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी जा सकेगी, फिर कहते हैं कि फ्री वैक्सीन बांटेंगे। आज पीएम मोदी को वोट के लिए आर्टिकल 370 पर बात करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भागलपुर के चुनावी मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की अपील, कहा त्योहारों पर अधिक से अधिक खरीदे लोकल सामान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के भागलपुर में चुनावी सभा के दौरान लोगों से खास अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्योहारों का सीजन है, इसलिए जो भी खरीदारी आप करेंगे अधिक से अधिक लोकल खरीदिए। हमारे मिट्टी के हस्तशिल्पियों, दूसरे शिल्पियों के बनाए बर्तन, दिए, खिलौने जरूर खरीदिए। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो बिहार भी आत्मनिर्भर होगा, भारत भी आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहा है। अगर बिहार में विरोध और अवरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों धीमी पड़ जाएगी। इसलिए नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन यानी के एनडीए को एक एक वोट पड़ना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज का शुक्रवार को ऐलान किया है। यह राशि दिवाली से पहले दी जाएगी। उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली सरकार गृह निर्माण के लिए 5,000 करोड़ देगी। सरकार फसलों के लिए प्रति हेक्टर 10,000 रुपए देगी। इसके अलावा बागों के लिए प्रति हेक्टर 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। दिवाली से पहले राशि का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोगों को मदद देना सरकार का कर्तव्य है। समीक्षा बैठक के बाद मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए किसानों और प्रभावित लोगों को 10,000 करोड़ रुपए की मदद देने का फैसला किया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम दीपावली तक लोगों तक यह मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को सोलापुर में हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। हालांकि सोलापुर में सीएम उद्धव ठाकरे को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि बारिश और बाढ़ से लाखों हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार की इस वेबसाइट से खरीदे कार, नहीं देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स। जी हां दोस्तों, दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब एक खास तरह के वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यह खास वाहन खरीदने पर सरकार नगद सहायता भी दे रही है। अच्छी बात यह है कि यह सब फायदे उठाने के लिए दिल्ली वालों को किसी डीलर या सरकारी दफ्तर के चक्कर भी नहीं काटने होंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से आज एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। इसी वेबसाइट पर जाकर आप वाहन भी खरीद सकते हैं और दिल्ली सरकार की ओर से दी जाने वाली छूट का फायदा भी ले सकते हैं। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन से संबंधित एक वेबसाइट लॉन्च की है। उन्होंने कहा है कि यह वेबसाइट ग्राहक और डीलरों को मिलाने का प्लेटफॉर्म है। इस वाहन पर मिलने वाली सभी छूटों का फायदा भी इसी वेबसाइट पर मिलेगा। परिवहन मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीति एक अहम हिस्सा है। ईवी डीलर ev.dehli.gov
ev.in में लॉगिन कर वाहन खरीद सकते हैं। 100 से अधिक ईवी मॉडलों को मंजूरी दे दी गई है जो इस सब्सिडी के लिए मान्य होंगे। अभी तक 36 वाहन निर्माताओं ने इस पॉलिसी के तहत अपना पंजीकरण कराया है और 98 डीलर इस मिशन में सरकार के साथ जुड़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों हम इस वीडियो के अंत में एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों के लिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुरू करेंगे किसान सूर्योदय योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। वह गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ पीडियाट्रिक्स हार्ट हॉस्पिटल और टेलीकार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन करेंगे। वह इस अवसर पर गिरनार में एक रोप वे परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। सिंचाई के लिए दिन में बिजली आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली पा सकेंगे। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस योजना में 2020-21 में दाहोद, पाटन, महीसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, खेड़ा, तापी, वलसाड, आनंद और गिर सोमनाथ को शामिल किया गया है। शेष जिलों को 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में खतरनाक स्थिति में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, कई इलाकों में सांस लेना हुआ मुश्किल। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदूषण के कारण कई इलाकों में लोगों का दम घुटने लगा है और सांस लेने में मुश्किल हो रही है। सबसे खराब स्थिति अलीपुर इलाके में है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स आज गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार अलीपुर इलाके में PM2.5 का स्तर 442 तक पहुंच गया है। वहीं प्रदूषण के हॉटस्पॉट में से एक आनंद विहार में PM2.5 का स्तर 392 तक पहुंच चुका है। पंजाबी बाग में PM2.5 का लेवल 364 तो मंदिर मार्ग पर 344 है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के आंकड़े भी इससे कुछ अलग नहीं है। मंत्रालय के अनुसार दिल्ली में PM2.5 का लेवल 304 है जबकि नोएडा में ये 342 तक पहुँच चुका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, बिना इस डॉक्यूमेंट के भी अब स्कूल में मिलेगा एडमिशन। जी हां दोस्तों, इस महामारी के दौरान स्कूलों में दाखिलों को लेकर परेशान छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। रामजस स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। साथ ही दोनों बच्चों का तत्काल दाखिला करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर किसी बच्चे के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तब भी स्कूल को उस बच्चे को दाखिला देना होगा। इसके साथ ही ओरिजिनल मार्कशीट के बजाय 10वीं की बोर्ड के द्वारा जारी ऑनलाइन रिजल्ट की कॉपी से भी दाखिला देना होगा। हाल ही में इस महामारी की वजह से अभिभावकों और छात्रों को झेलनी पड़ रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगेगा ब्रेक, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 2 दोहरे कदम उठाने का फैसला कर लिया है। जमाखोरी रोकने और प्याज की उपलब्धता को भारतीय बाजार में सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने शुक्रवार को यह 2 बड़े फैसले लिए हैं। इससे त्योहारी सीजन में प्याज की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगने की उम्मीद है। सरकार ने प्याज की स्टॉक लिमिट को भी तय कर दिया है। इसके तहत थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए अलग अलग स्टॉक लिमिट तय की गई है। सरकार ने थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की स्टॉक लिमिट को 25 मैट्रिक टन व खुदरा व्यापारियों के लिए 2 मैट्रिक टन निर्धारित किया है। यह स्टॉक लिमिट शुक्रवार 23 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन के चुनावी वादे पर मचा बवाल, शिवसेना ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार वासियों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है। बीजेपी के इस वादे के बाद विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई है।
शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को निशाना साधते हुए कहा है कि क्या जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे उन्हें वैक्सीन नहीं दी जाएगी। संजय राउत ने कहा है कि क्या जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां यह टीका नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर क्लियर करना चाहिए। पहले हम जात और धर्म के नाम पर बांटते थे और अब वैक्सीन के नाम पर बांटेंगे। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन को लेकर जैसी बयानबाजी हो रही है उससे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मिदनापुर में टीएमसी के बड़े नेता के पोस्टर और रैलियां ममता के लिए एक नई चुनौती। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक रणनीतिकारों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन राज्य के मिदनापुर जिले में एक अलग ही लहर देखने को मिल रही है जो ममता बनर्जी शासन के लिए किसी खतरे से कम नहीं लग रही है। दरअसल परिवहन मंत्री और पूर्व मदनीपुर जिले के नंदीग्राम के विधायक और टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी का प्रचंड प्रचार अभियान चल रहा है। आमरा दादार अनुगामी नामक समूह इस प्रचार को अंजाम दे रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रचार समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस समूह द्वारा निकाली जा रही रैलियों में न तो टीएमसी का प्रतीक है ना ही पार्टी का झंडा। आपको बता दें कि इस नेतृत्व विहीन प्रचारक समूह के सदस्य शुभेंदु के पोस्टर बैनर और झंडे लेकर टीएमसी नेता के प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ट्रंप ने वीजा संबंधित नया आदेश किया जारी। कंपनियों को हो सकता है $100 अरब का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से वीजा पर जारी किए गए नए आदेश से कंपनियों की माली हालत खस्ता हो सकती है। एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक का अनुमान है कि इससे अमेरिकी कंपनियों की कमर टूट सकती है। इन्हें $100 अरब तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप ने गत जून में एक कार्यकारी आदेश जारी कर H-1B और L-1 समेत कई वीजा पर इस साल के आखिर तक रोक लगा दी थी। इससे भारतीय समेत अन्य विदेशी कामगारों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लग गई है। थिंक टैंक ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट ने इस हफ्ते में एक रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप ने गत 22 जून को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश के तहत नया H-1B और L-1 वीजा जारी करने पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। इस कदम का कंपनियों पर दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस आदेश के चलते करीब 2 लाख विदेशी कामगारों और उनके आश्रितों के अमेरिका आने पर रोक लगने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, दक्षिण आसाम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और तूफानी हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी आम जनता को राहत मिली है। भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार 21वां दिन है जब ईंधन का भाव जस का तस बना हुआ है। आपको बता दे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इन दिनों कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते घरेलू बाजार में ईंधन का भाव भी नहीं बढ़ रहा है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल 81.06 रुपए प्रति लीटर और डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, सोने की कीमतों में उछाल, चांदी तीसरे दिन भी गिरी। जी हाँ दोस्तों, त्योहारी सीजन में एक बार फिर सोने की कीमतों में उछाल आया है, जबकि चांदी की कीमत में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई है। आज 22 कैरेट सोने की कीमत 50,110 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 51,110 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी घटकर 62,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, पानी की बर्बादी करने पर अब होगी 5 साल की सजा, देना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, पानी की बर्बादी करने वालों को अब सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो यह एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से भी जगह जगह पानी पहुँचाने वाली नगरीय संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती है।
CGWA के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1,00,000 रुपए तक के जुर्माना और 5 साल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। LIC ने लॉन्च किया नई जीवन शक्ति डिफर्ड एन्यूटी प्लान, इसे कर सकते हैं रेगुलर इनकम का इंतजाम। जी हां दोस्तों, LIC नई जीवन शांति डिफर्ड एन्यूटी लेकर आई है। यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग व्यक्तिगत एकल प्रीमियम डिफर्ड एन्यूटी प्लान है। इस प्लान में ग्राहक को लोन की सुविधा भी मिलेगी। इस प्लान को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीदा जा सकता है। LIC ने कहा है कि नई जीवन शांति पॉलिसी के लिए सालाना दर की गारंटी पॉलिसी की शुरुआत में ही दी जाती है। इस प्लान को खरीदने के लिए आपको न्यूनतम 1,50,000 रुपए का निवेश करना होगा। एन्यूटी को आप सालाना 6 महीने, 3 महीने और मंथली मोड में ले सकते हैं। इस प्लान में न्यूनतम सालाना आय 12,000 रुपए है, जहां अधिकतम खरीद मूल्य की कोई सीमा नहीं है। हैंडीकैप लोग इस प्लान को 50,000 रुपए में भी खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फ्लिपकार्ट 1500 करोड़ रुपए में खरीदेगी आदित्य बिरला फैशन की 7.8% हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अब आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में 7.8% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। ABFRL और फ्लिपकार्ट की डील 1500 करोड़ रुपए की होगी। यह डील 205 रुपए प्रति शेयर के भाव पर की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिसंबर से शुरू हो जाएगा देश की नई संसद का निर्माण, 2 साल में होगा पूरा। जी हां दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण कार्य इस साल दिसंबर में शुरू होगा और इसके अक्टूबर 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है। लोकसभा सचिव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। लोकसभा सचिव ने यह भी कहा है कि नए संसद भवन के निर्माण की अवधि के दौरान मौजूदा संसद भवन में ही सत्र को निर्बाध रूप से कराने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में शुरू हुई iPhone 12 की प्री बुकिंग, HDFC बैंक दे रहा है कैशबैक। जी हां दोस्तों, देश भर में दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एप्पल ने अपने iPhone 12 के 2 मॉडल की प्री बुकिंग को शुरू कर दिया है। इस पर प्री बुकिंग के साथ ही HDFC बैंक के क्रेडिट व डेबिट कार्ड से फोन को खरीदने पर अधिकतम 6,000 रुपए का कैशबैक भी दिया जाएगा। टेक दिग्गज ने इस साल iPhone 12 के 4 मॉडल लॉन्च किए थे। इसमें से केवल iPhone 12 और iPhone 12 Pro प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे। iPhone 12 मिनी और iPhone 12 Pro Max 30 अक्टूबर से प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे। अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट और डेबिट कार्ड है तो फिर ज्यादा कैशबैक का फायदा भी iPhone की खरीद पर उठा सकते हैं। ग्राहक HDFC क्रेडिट कार्ड पर 6,000 रुपए का कैशबैक और 6 महीने की नो कॉस्ट EMI का लाभ उठा सकते हैं। इस बीच iPhone 12 Pro ग्राहक 5,000 रुपए कैशबैक और 6 महीने के लिए नो कॉस्ट EMI का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप iPhone 12 खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए इसकी कीमत भी बता देते हैं। दोस्तों iPhone 12 की शुरुआती कीमत 69,900 रुपए है, जबकि इसकी अधिकतम कीमत 1,59,900 रुपए है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।